आज तारीख हो चुकी है 29 अप्रैल। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि आखिर आज एक बार फिर से कौन से 8 बड़ी खबरें, कौन से 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। दरअसल राजस्थान रॉयल्स की टीम ने यहाँ पर लिविंगस्टोन की रिप्लेसमेंट के तौर पर साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज वेंडर डसन को अपनी टीम में इंक्लूड किया था। और अब जो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जो रिपोर्ट या फिर जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उसके अकॉर्डिंग वेंडर डसन भारत पहुंच चुके हैं और भारत पहुंचकर ये 7 दिन के लिए क्वारंटीन हो चुके हैं, 7 दिन के लिए क्वारंटाइन हो चुके हैं। और 7 दिन बाद ये अपनी टेस्ट करवाकर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही इस टीम के प्रैक्टिस कैंप को ज्वाइन कर लेंगे। तो कुल मिलाकर राजस्थान रॉयल्स के सूत्रों से जो खबर निकल कर आ रही है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वेंडर डसन भारत पहुंच कर अब क्वारंटाइन हो चुके, इसके साथ ही 2 से 3 मैच मिस करके इसके बाद ये प्लेइंग 11 में खेलने के लिए, मैचेस खेलने के लिए पूरी तरीके से अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, ताकि आप इस तरह की छोटी बड़ी कोई भी खबर मिस ना कर पाए। इसके साथ ही आप कमेंट करें आपके अकॉर्डिंग वेंडर डसन को यहाँ पर प्लेइंग 11 में मौके मिलने चाहिए या फिर नहीं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, तो जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है आज होने वाले आईपीएल के मुकाबले को लेकर। दरअसल आज हमें आईपीएल के डबल मुकाबले देखने को मिलेंगे, यानी डबल हेडर्स देखने को मिलेंगे, जहां पर पहले मुकाबले के रूप में हमें राजस्थान और एमआई की टीमें आमने सामने देखने को मिलेगी, जबकि दूसरे मुकाबले के रूप में हमें केकेआर दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने सामने देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर चारों ही टीमों के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये मुकाबला होगा, स्पेशली राजस्थान और केकेआर की टीमों के लिए एक तरीके से डू ऑर डाई की तरह ये मुकाबले होंगे, ना सिर्फ इन टीमों के लिए बल्कि आपके लिए भी मुकाबले काफी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इन मुकाबलों के आप माई 11 सर्किल पर टीम बनाकर पूरे 1 करोड़ रुपए जीत सकते हो। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने माई 11 सर्किल का लिंक दे रखा है, अगर यहाँ से आप माई 11 सर्किल को डाउनलोड करते हो, तो डाउनलोड करते ही आपको हमारी तरफ से 1500 रुपये बिल्कुल फ्री मिलेंगे। उन्हीं 1500 रुपयों में से आप केवल 1 रुपया लगा अगर माई 11 सर्किल पर इस मुकाबले की अपनी टीम बनाकर पूरे 1 करोड़ रुपए जीत सकते हो। इवन कल जो यहाँ पर सीएसके की टीम को और हैदराबाद का मुकाबला हुआ था, उस मुकाबले में हमारे सब्सक्राइबर ने 10 लाख रुपए जीत लिए है। आप स्क्रीन पर उनका स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे, तो आपके पास पूरा मौका है कि आज के मुकाबलों में आप दोनों मुकाबलों में टीम बनाकर आसानी से 1 करोड़ रुपए जीत सकते हो। तो आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से माई 11 सर्किल को डाउनलोड करके आज के मुकाबले के लिए अपनी टीम बना ले। दिस गेम इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, तो जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है, आती है आईपीएल के इंग्लिश कमेंटेटर मार्कस निकोलस की तरफ से। दरअसल यहाँ पर आईपीएल के मिड वे में अब भारत में कोविड के केसेस बढ़ने के कारण अब यहाँ पर इंग्लिश कमेंटेटर मार्क निकोलस भी अब भारत को छोड़कर अपनी कंट्री लौट चुके, जहां पर कुछ विदेशी प्लेयर 2 से 3 दिन पहले अपनी कंट्री वापस लौट चुके थे। और अब भारत में कोविड के केसेस बढ़ने के बाद अब इंग्लिश कमेंटेटर मार्क निकोलस भी अपनी कंट्री लौट चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की, तो जो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है, वो आती है एमएस धोनी की तरफ से। दरअसल कल हुए सीएसके के मुकाबले में यहां पर सीएसके की टीम ने हैदराबाद को हराकर अब पॉइंट्स टेबल में यहां पर नंबर 1 पर स्थान बना लिया, जहां पर अब तक खेले गए यहां पर 6 मैचों में 5 जीत और केवल 1 हार के साथ इस टीम ने 10 पॉइंट हासिल कर लिया। प्लेऑफ्स में क्वालिफिकेशन के लिए इस टीम को बचे हुए अपने 8 मैचों में से केवल 3 मुकाबले जीतने होंगे, यानी सीएसके के लिए बड़ी खुशखबरी। और अब एमएस धोनी के लिए भी यहां पर बड़ी खुशखबरी निकल कर रही है। 1 हफ्ते पहले जब इनके पेरेंट्स यहां पर हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, यहां पर कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। लेकिन अब एमएस धोनी के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, क्योंकि इनके पेरेंट्स अब कोविड नेगेटिव आ चुके हैं। इसके साथ ही कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद अभी अपने घर लौट चुके एमएस धोनी ने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनके साथ बातचीत करी थी। तो कुल मिलाकर यहां पर सीएसके की अच्छी शुरुआत हुई है और अब एमएस धोनी के पेरेंट्स भी अब घर लौट
चुके हैं। तो कुल मिलाकर सीएसके की टीम के लिए और एमएस धोनी के लिए बड़ी कुछ खबरें, आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर ऐसी शुरुआत के बाद अब यहाँ पर सीएसके की टीम इस साल आईपीएल जीत पाएगी या फिर नहीं। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं पांचवी बड़ी खबर की, तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है एडम जैम्पा के रिप्लेसमेंट को लेकर। दरअसल आरसीबी की टीम ने यहाँ पर केन रिचर्डसन की कल रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दी। इसके साथ ही अब यहाँ पर बड़े सवाल है कि एडम जैम्पा की रिप्लेसमेंट के तौर पर आखिर कौन से प्लेयर को ये टीम अपनी टीम में इंक्लूड करेगी। तो कल यहाँ पर इस टीम के डायरेक्टर माइक हेसन ने अब एडम जैम्पा की रिप्लेसमेंट को लेकर यहाँ पर बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। इन्होंने बता दिया कि एडम जैम्पा की रिप्लेसमेंट को लेकर अब तक इस टीम ने 2 से 3 प्लेयर्स के साथ बातचीत करी। हालांकि अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ है कि आखिर एडम जैम्पा की जगह कौन से प्लेयर को ये टीम अपनी टीम में इंक्लूड करेगी, लेकिन 90% चांसेस बने हुए हैं कि यहाँ पर नेपाल के स्पिन गेंदबाज संदीप लामी चाने को ये टीम एडम जैम्पा की जगह अपनी टीम में इंक्लूड करेगी। यहाँ पर संदीप लामी चाने को अब जल्दी नेपाल से यहाँ पर भारत बुलाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर संदीप लामी चाने ऑक्शन में अनसोल्ड गए थे, इसके बावजूद अब इनके आईपीएल में एंट्री हो सकती है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर संदीप लामी चाने को अपनी टीम में इंक्लूड करने वाला या फिर एडम जैम्पा की रिप्लेसमेंट बनाने वाला आखिर आरसीबी की टीम का ये सही डिसीजन होगा या फिर नहीं। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं छठी बड़ी खबर की, तो जो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है आईपीएल में कोविड की वैक्सीनेशन को लेकर। दरअसल कल गांगुली ने ये कंफर्म कर दिया कि भारत में कोविड के केसेस बढ़ने के बाद और काफी सारे विदेशी प्लेयर्स आईपीएल छोड़कर जाने के बाद अब आईपीएल के सभी प्लेयर्स को यहाँ पर कोविड की वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। स्पेशली उन प्लेयर्स को कोविड की वैक्सीन लगाई जाएगी जो कि खुद इंडिविजुअल अपनी मर्जी से यहाँ पर वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। स्पेशली यहाँ पर गांगुली ने ऑप्शन दे दिया है कि अगर कोई विदेशी प्लेयर यहाँ पर कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता है तो उस प्लेयर को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। इसके बाद अब सभी विदेशी प्लेयर्स ने यहाँ पर अपने क्रिकेट बोर्ड से यहाँ पर परमिशन लेना शुरू कर दिया, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इसके साथ ही साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के प्लेयर्स को और इंग्लैंड के प्लेयर्स को यहाँ पर वैक्सीन लगाने की अनुमति मिल चुकी है। और यहाँ पर शनिवार से यानी सैटरडे से इंडियन प्लेयर्स को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा और मंडे यानी सोमवार से यहाँ पर सभी विदेशी प्लेयर्स को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। हालांकि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पर अपने प्लेयर्स को वैक्सीन लगाने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर वेस्ट इंडीज के सभी प्लेयर्स ने यह फैसला लिया है कि वो भी सभी विदेशी प्लेयर्स के साथ यहाँ पर वैक्सीनेशन करवाएंगे। तो कुल मिलाकर आईपीएल में भाग लेने वाले सभी 500-700 प्लेयर्स को यहाँ पर सभी प्लेयर्स को और सभी कोचेस को अब यहाँ पर शनिवार और मंडे के बीच यहाँ पर वैक्सीनेशन लगा दी जाएगी। इसके बाद आईपीएल कंप्लीटली सेफ हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर अब बिना किसी समस्या के इस साल का आईपीएल कंप्लीटली पॉसिबल हो पाएगा या फिर नहीं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की, तो जो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है वुमेन्स आईपीएल को लेकर। दरअसल हमने हर साल देखा है कि जब आईपीएल के प्लेऑफ्स के मुकाबले होते हैं तब वुमेन्स के आईपीएल मुकाबले कराए जाते हैं। 3 वुमेन्स आईपीएल टीमों के बीच यहाँ पर वुमेन्स आईपीएल के मुकाबले कराए जाते हैं, लेकिन बीसीसीआई ने फैसला लिया है कि 3 सालों बाद अब आईपीएल में पहली बार इस साल यहाँ पर वुमेन्स आईपीएल मुकाबले नहीं होंगे, क्योंकि अब यहाँ पर ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन लग जाने के बाद और अब विदेशी वुमेन्स प्लेयर अब भारत में नहीं आ पाएगी। इसी वजह से इस साल यहाँ पर बीसीसीआई ने फैसला लिया कि वुमेन्स आईपीएल को यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया जाए। हो सकता है कि 2 से 3 महीने बाद ये यहाँ पर ये टूर्नामेंट कराई जाए, लेकिन करंट की कंडीशन में ये टूर्नामेंट नहीं होगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग वुमेन्स आईपीएल के मैचेस होने चाहिए थे या फिर नहीं। इसके बाद जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है आईपीएल के अंपायर्स को लेकर। दरअसल आईपीएल 2021 के सीजन से यहाँ पर आईपीएल के 2 मुख्य अंपायर बाहर हो चुके, जहाँ पर नितिन मेनन बाहर हो चुके, इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया पॉल राइपल भी बाहर हो चुके हैं। अगर हम बात करते हैं इसके पीछे के रीजन की, तो यहाँ पर नितिन मेनन की यहाँ पर वाइफ और इनके चाइल्ड यहाँ पर कोविड पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, इसी वजह से आईपीएल को मिडवे में छोड़कर अपने घर लौट चुके हैं। जबकि यहाँ पर पॉल राइपल ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर फ्लाइट बैन होने के कारण अभी आईपीएल को छोड़कर जा चुके, और आज ये दोनों ही अंपायर आज के मुकाबले में अंपायरिंग करने वाले थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बीसीसीआई के लिए अब यहाँ पर बड़ी समस्याएं खड़ी हो चुकी है, जहाँ पर कमेंटेटर और प्लेयर्स के बाद अब अंपायर्स भी यहाँ पर आईपीएल को छोड़कर अपने घर लौटने लग चुके हैं। हालांकि बीसीसीआई ने बैकअप के तौर पर यहाँ पर इंडियन अंपायर्स को रिजर्व रख रखा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर आईपीएल पर अब काफी बड़े सवाल खड़े हो गए। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर ऐसी सिचुएशन में भी आईपीएल पॉसिबल हो पाएगा या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।